और इस वक्त सुल्तानपुर से खबर है जहां पर एनकाउंटर पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। अखिलेश यादव ने सवाल किया कि लुटेरों से लूट का माल किसने लूट लिया, जब सब पकड़े गए तो फिर सोना किसके खजाने में जाकर जमा हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो लुटेरे बनकर गए वो किसी के प्रतिनिधि थे। आपको बता दें कि सुल्तानपुर में ज्वेलर से लगभग 1 करोड़ से ज्यादा की लूट की घटना को अंजाम दिया गया था और इसी मामले को लेकर कल ही सुबह से एक बदमाश का एनकाउंटर भी किया गया था। कल भी एनकाउंटर को लेकर सवाल उठे थे और आज एक बार फिर से अखिलेश यादव ने सवाल किया है। उन्होंने लिखा कि लुटेरों से लूट का माल किसने लूट लिया, जब सब पकड़े गए तो फिर सोना किसके खजाने में जाकर जमा हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो लुटेरे बनकर गए थे वो किसी के प्रतिनिधि थे। हम आपको बता दें कि ज्वेलर से लगभग 1 करोड़ की ज्यादा की लूटपाट हुई थी लेकिन अब तक पूरी बरामदगी नहीं हुई है और इसी के बाद इस तरह का ट्वीट अखिलेश की तरफ से। और ये बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने गांदरबल में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर यूपी में मुसलमानों को परेशान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यूपी में जिस तरह से मुसलमानों के घरों और दुकानों पर रोज बुलडोजर चलाए जाते हैं उसे सुप्रीम कोर्ट ने अवैध कहा है। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मस्जिदों और मदरसों पर ताले लगाए जा रहे हैं वो भी हमसे छिपे नहीं है। सुनिए क्या कुछ कहना है उनका। यूपी में जिस तरह मुसलमानों के घरों पे, दुकानों पे रोज बुलडोजर चलाए जाते हैं उसका तो परसों सुप्रीम कोर्ट ने उसका जायजा लिया और कहा यह गैर कानूनी है। जिस तरह यूपी में हमारे मस्जिदों पे, दरसगाहों पे, हमारे मदरसों पे ताले लगाए जा रहे हैं वो बात हमसे छुपी हुई नहीं है। और नोएडा के सेक्टर 56 स्थित उत्तराखंड पब्लिक स्कूल से लापता हुए दोनों बच्चे सकुशल अब दिल्ली से बरामद कर लिए गए हैं। बच्चों की बरामदगी के लिए ACP-2 की अगुवाई में 5 टीमें बनाई गई थी। पुलिस करीब 100 सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद बच्चों तक पहुंची। आनंद विहार रेलवे स्टेशन के पास अब ये दोनों बच्चे मिल गए। तो कल जिस तरह से खबर आई थी कि दोनों बच्चे परसों जैसे ही छुट्टी हुई है निकले हैं उसके बाद घर नहीं पहुंचे और कल पूरे दिन इनको ढूंढा गया है जगह जगह, कई टीमें भी बनाई गई और अब पता चल रहा है कि दिल्ली से ये बच्चे मिल गए हैं। हालांकि क्यों भागे थे, क्या वजह इसके पीछे रही, कोई इनके साथ था, कोई इनको लेकर गया था, इस बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिल पाई है लेकिन आनंद विहार रेलवे स्टेशन से अब इन दोनों बच्चों को बरामद कर लिया गया है। कल उत्तराखंड पब्लिक स्कूल के ये दोनों बच्चे बताए जा रहे थे, परसों छुट्टी होने के बाद से ये दोनों बच्चे लापता थे। इनके गुमशुदा होने की FIR भी दर्ज कराई गई थी। इसके बाद पुलिस ने तो कई टीमें इसको लेकर गठित की, जगह जगह इनको ढूंढा जा रहा था। करीब 100 CCTV खंगालने के बाद तब जाकर किसी तरह से पुलिस को इनका सुराग मिला है और अब पुलिस ने दोनों बच्चों को बरामद कर लिया है। बातचीत करने के लिए हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, कहां से इन बच्चों की बरामदगी हुई और क्या इन्होंने बताया कि ये खुद गए थे या फिर कोई इन्हें लेकर गया था, क्या जानकारी से लेकर? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके के फैक्ट निकल के आए हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि बच्चों के एग्जाम में नंबर कम आए थे और नंबर कमाने की वजह से परिवार ने समझौता डांटा था, उसके बाद बच्चे ये डर के मारे वहां से भागे थे। भागने के बाद दोनों बच्चे अपने स्कूल से निकले, स्कूल के पीछे गेट से निकलकर, क्योंकि CCTV उस वक्त भी सामने आया था और अब ये CCTV आया है जब नोएडा पुलिस ने करीब 500 के करीब CCTV खंगाले हैं और 5 टीमें लगाई की थी। पिछले 48 घंटे से लगातार टीमें काम कर रही थी और अब जाके ये बच्चे दिल्ली में आनंद विहार रेलवे स्टेशन के बाहर दिखे और वहीं पर बच्चों को जो है देखा गया और उसके बाद वहां पर रेस्क्यू करके बच्चों को अपने साथ लाया गया है और अब गौतम बुद्ध नगर की CP लक्ष्मी सिंह बच्चों और बच्चों के परिवार से मिलेंगी। जाहिर तौर पे एक पुलिस के लिए चुनौती थी और कड़ी मेहनत के बाद करीब 5 टीमें लगाई गई थी और बच्चों को बरामद कर लिया गया है। जी बिल्कुल, बड़ी सफलता कही जा सकती है क्योंकि दोनों बच्चे सकुशल हैं, पुलिस ने दिन रात एक कर दिया ने ढूंढने के लिए, 500 CCTV भी खंगाले हैं, जगह जगह पर दबिश भी दे रही होगी और एक बड़ी सफलता उन माँ बाप के लिए भी कहा जा सकता है, खुशी की खबर जिनके दोनों बच्चे अब मिल गए।
तौर पे जो परिजन है उन्होंने पुलिस का आभार जताया है, क्योंकि परिवार का रो रोकर बुरा हाल था। और आपको बता दे कि परिवार जो है वो स्कूल में मौजूद था, माता पिता लगातार पुलिस के संपर्क में थे, पुलिस ने कॉन्फिडेंस में भी ले रखा था और लगातार वो सीसीटीवी भी जहां जहां दिख रहे थे परिवार को कॉन्फिडेंस में रखते उनको सीसीटीवी भी दिखाते रहे। और अंतोगत्वा पुलिस ने बच्चों को ढूंढ निकाला है, करीब 500 के करीब सीसीटीवी कैमरे देखे गए, जाहिर तौर पे मेहनत जरूर की गई है और अब बच्चों को सुपुर्द कर दिया गया परिवार को। जी एक सीसीटीवी इस वक्त हम दिखा रहे हैं, सीसीटीवी की फुटेज हिमांशु हमारे टीवी स्क्रीन पर इस वक्त चल रहा है, ये कहां का सीसीटीवी फुटेज है, क्योंकि बच्चे यहां से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और क्या यहां से कहीं और जाने वाले थे, बच्चों ने कुछ बताया? देखिए ये तमाम सवाल हैं, पुलिस क्योंकि बच्चे नाबालिग हैं लिहाजा परिवार को सुपुर्द कर दिया गया है और बच्चों से पूछा भी गया था तो बच्चों ने बताया कि उनके सब्जेक्ट में नंबर कम थे, लिहाजा उन्हें डर था कि जो परिजन हैं जो पेरेंट्स हैं वो डांटेंगे, लिहाजा इसी में दोनों बच्चे एक साथ निकले थे और स्कूल की ड्रेस में रहे पिछले 48 घंटे में और पुलिस ट्रेस आउट करती रही। और उसके बाद यहाँ से नोएडा थे, नोएडा में एंट्री करते हुए ये आगे की तरफ बढ़े और आनंद विहार रेलवे स्टेशन है वहां तक पहुंच गए थे। ऐसा माना जा रहा है कि अगर सही टाइम से बच्चों को नहीं देखा जाता तो संभवतः ये ट्रेन में सवार हो जाते तो पुलिस के लिए एक बड़ी और चुनौती होती, लेकिन उससे पहले ही रेलवे स्टेशन के बाहर बच्चों को पुलिस ने ट्रेस आउट किया और बच्चों को अब लाकर परिवार को सुपुर्द कर दिया है। जी बिल्कुल हिमांशु, एक बड़ी बात है कि बच्चे सकुशल हैं, उनकी बरामदगी हो गई है, माँ बाप को थोड़ी देर में इन बच्चों को सौंप दिया जाएगा और नोएडा पुलिस के लिए भी बड़ी कामयाबी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं।